दोस्तों आज की कहानी है भाभी जी आप हमारी कमजोर टीम की कैप्टन बनेगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मुझे अभी शादी नहीं करनी। कृति अपने ससुराल वालों के सामने से उठकर चली गई। ननद और जेठानी के सहरे फीके पड़ गए। आज से 2 महीने पहले कृति और आशीष की सगाई हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। कृति के इन शब्दों ने सभी के दिमाग में प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया कि ऐसा क्या हुआ जो होने वाली दुल्हन ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। क्या हुआ आंटी जी, मैं तो भाभी को शॉपिंग के साथ ले जाने आई थी। सुमन ननद ने उदास होते हुए पूछा। आंटी जी हो सकता है आशीष देवर जी के साथ कहाँ सुनी हो गई हो। आजकल ये लड़के लड़कियां फोन पर इतनी बात करते हैं, कितने रिश्ते इन फोन कॉल्स के चक्कर में बिगड़ जाते हैं। आप समझिएगा अब उसके हर फैसले में दोनों घरों की इज्जत जुड़ी है। जेठानी कामिनी ने मामले को हल्का करते हुए कहा। ससुराल वालों को विदा कर कृति के कमरे में उसके परेशान और चिंतित माता पिता आए और पढ़ाओ और सूट दो। अब पूछो अपनी लाडली से क्या हुआ जो शादी से 15 दिन पहले ऐसी बातें बोलने का क्या मतलब समझे। माँ ने चिल्लाना शुरू किया। क्या हुआ बिटिया, आशीष को जीवन साथी बनाने का फैसला तुम्हारा था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? कुछ खुल कर बताओ। तुम्हारी माँ वैसे ही बीपी की पेशेंट है, पिता ने कृति के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। पापा आशीष बहुत अच्छे हैं, मैं उनके स्वभाव से प्रभावित होकर ही इस रिश्ते को हाँ की थी, लेकिन सगाई के बाद मैंने अपने ससुराल में गणपति और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों में सम्मिलित हो मैंने महसूस किया कि उनके घर में औरतों का कोई सम्मान नहीं। घर के छोटे बड़े फैसले पापा और बड़े भैया लेते हैं। औरतों के हर काम में आदमी इंटरफेयर करते हैं जो मुझे बड़ा अजीब लगा। माँ ने कृति की बात पूरी करने से पहले काट कर, हाँ तो ये कौन सी बड़ी बात है, हिंदुस्तान के ज्यादातर घरों में मर्द ही प्रभावी रहते हैं। माना तुम्हारे पिता मुझसे सलाह मशविरा लेकर काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं सब आदमी ऐसे हो। कृति की माँ उसे बोलने तो दो, बेटा अच्छे से बताओ तुम कहना क्या चाहती हो। पिता ने कृति का पक्ष लिया। मेरा मतलब ये है माँ, जन्माष्टमी के समय इनके घर में लगभग
लगभग सभी रिश्तेदार और सगे संबंधी मौजूद थे। बड़ी भाभी पंचामृत कहीं रख कर भूल गई। बड़े भैया इतने लोगों के सामने चिल्ला कर बोले, पागल औरत अब मैं भोग किस से लगाओ, जा देख रसोई में होगा। मैं सन्न रह गई। पापा एक औरत ने सोलह श्रृंगार क्यों न किए हो, पर सब के सामने हुए अपमान का एक थप्पड़ उसके सहरे पर जो उदासी ले आता। उसे दुनिया का कोई मेकअप नहीं छुपा सकता। मुझे नहीं भूलती भाभी के सहरे की वो झूठी मुस्कान जो उनके दर्द छुपा पाने असमर्थ हो रही थी। यही नहीं, पापा जी ने गणपति विसर्जन के समय मम्मी जी को जो झाड़ा, किसी भी विषय पर उनसे बात करने से पहले ही उन्हें अनपढ़ जाहिल औरत बोल किनारे कर देते हैं। ये सब मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कुछ कहना चाहा तो घर की औरतें बोलती हैं, क्या हो गया पति हैं हमारे, उनका क्या बुरा मानना। आशीष से बात करी तो वो बोलते हैं जिन्हें बोला गया जब उन्हें फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें क्या। कृति के माता पिता ध्यान से सुन रहे थे। अब बोलो पापा, मुझे तो आपने आत्म सम्मान के साथ जीना सिखाया है, क्या ऐसे घर में कैसे रह पाऊंगी। जो व्यक्ति अपनी बड़ी भाभी और माँ का अपमान रोज होते देखता हो, वो क्या मुझे सम्मान दे पाएगा या मेरे सम्मान की रक्षा कर पाएगा। सुमन अपना मोबाइल कृति के घर ही भूल गई थी, वो लेने आई तो कृति के कमरे में हो रही बातें उसने सुन ली। वहां से चुप साप निकलने की सोची लेकिन वो कमरे में आ गई। कृति उसके माता पिता अचानक सुमन को देख सक पका गए, लेकिन सुमन की आंखों में गुस्सा या शिकायत नहीं बल्कि खुशी की झलक दिखाई दे रही। उसने कृति के हाथों को अपने हाथों में ले कहा, भाभी आप प्लीज मेरे घर में बहू बनकर जल्दी आ जाइए। आपकी बातों से साफ लग रहा आप हमारे घर में बदलाव की आंधी लेकर आएगी। मेरे घर में हमेशा से औरत को मर्दों से कम आंका गया, साए माँ हो या बड़ी भाभी, अनेकों बार अपमानित हुई हैं, लेकिन बाकी सब तो अच्छा है ना। ये बोल अपने मन को तचली दे, हर बार अपने आत्म सम्मान को दर किनार कर देती है। आशीष भैया और मैं खुले विचार रखते हैं, पर कुछ बोलना भी चाहे तो माँ कसम देती है। हम औरतों की कमजोर टीम को भाभी आप जैसे कैप्टन की जरूरत है। कृति की आंखें खुशी से नम
हो गई। ननद को गले लगा लिया, मुझे कैप्टनशिप मंजूर है। इतने में जेठानी भी आ गई, उसे माजरा कुछ समझ तो आया नहीं, पर बोल पड़ी, फिर शादी कब करनी है? माता पिता एक साथ खुशी से बोल पड़े, शादी तह तारीख पर होगी। बाहर हॉर्न देती आशीष की गाड़ी आ गई, सुमन और कामिनी सब से विदा लेते हुए निकल गए। कृति ने कार में बेटा सबको एक प्यारी से मुस्कान के साथ बाय किया। आशीष ने सुमन कामिनी के चेहरे पर वैसी ही मुस्कान देख पूछ लिया, औरतें शॉपिंग ना करने जा पाए तभी ऐसी मुस्कुराती हैं, कुछ तो गड़बड़ हैं। जाने क्यों मुझे बगावत की बू आ रही, सभी हंसने लगे। कृति की शादी के बाद उसके ससुराल में बदलाव आने शुरू हुए। ये सब उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, अनेकता में शक्ति होती है। जब घर की सब औरतें अपने मान सम्मान के बारे में सोचे तो कोई उन्हें अपमानित नहीं कर सकता। सब्र और सहन शक्ति भी एक सीमा में ही होने चाहिए।